स्वाति गावड़िया, सेकंड ईयर पीजी स्टूडेंट, द्रव्यगुण डिपार्टमेंट, जेएस आयुर्वेद महाविद्यालय नड़ियाद से। मैं आपको गुरु जी के हेल्थ बेनिफिट्स यानी कि थोड़े जो यूजेस होते हैं, क्या क्या यूजेस है वो बताना चाहूँगी। पहले तो गुरु जी, तो उसका लैटिन नाम है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। टीनोस्पोरा यानी कि बो शेप, टीनोस्पोरा मतलब बो शेप, और कॉर्डिफोलिया यानी कि उसके जो हार्ट शेप होता है वो, ठीक है। और उसके बाद ये उनका ग्रीन प्लांट है, और ये आप देखेंगे तो इसका ड्राई प्लांट है। जब हम उसको कैसे पहचान सकते हैं, तो इसमें चक्र लक्षणिका जैसे आपको दिखेगा, फिर इसके बाद इसके लेंटिसेल्स भी दिखेंगे आपको। फिर आते हैं इसके पर्याय के ऊपर, तो उसके पर्याय कुछ ऐसे दिए हैं कि जो उसके यूजेस ही डायरेक्ट दिखाता है। पहला है अमृता, अमृता यानी जिसके खाने से हमें कुछ डर नहीं रहता, या फिर कह सकते हैं कि हमें मृत्यु से डर नहीं लगता, ऐसा भी मान सकते हैं। दूसरा है रसायन, यानी जिसे खाने से हमारा रसायन कम होता है, हमारी आयु है वो बढ़ती है इसलिए। इसके बाद आता है उसके प्रयोज्या, हम क्या क्या गुरु जी का यूज कर सकते हैं। तो पहला है जुकान, जो हम रेगुलर में यूज कर सकते हैं, और दूसरा उसके पत्तिया को भी यूज कर सकते हैं। उसका अभी संग्रह कैसे करेंगे, संग्रह ओनली ग्रीष्म ऋतु में ही करना चाहिए, क्योंकि उसकी मेच्योरिटी जो उसकी पोटेंशियल होती है वो ज़्यादा ग्रीष्म ऋतु में पाई जाती है, इसलिए हमें ग्रीष्म ऋतु में। और नीम के पेड़ के ऊपर जो होता है वो बेहतर माना जाता है, बाकी आप कोई भी पेड़ से ले सकते हैं। इसके बाद आता है उसके आमयिक प्रयोग में बात करें तो फर्स्ट है रसायन चूर्ण, मतलब कि गड़ो, गोखरू, आमड़ा तीनों हम समभाग ले सकते हैं, और उसके दो टाइम लेना है सुबह और शाम को। वो रसायन कर्म करता है यानी आपकी एज को बढ़ाता है। फिर आता है दूसरा गुरुजी चूर्ण। गुरुजी चूर्ण में छाछ के साथ अगर ले, गुरुजी चूर्ण 3 ग्राम लेना है, और छाछ के साथ सुबह शाम 2 टाइम लेना है, जो हमारे अर्श की बीमारी में बहुत ही अच्छा फायदेमंद साबित होता है। अब गुरुजी चूर्ण, तो गुरुजी चूर्ण आप कैसे बनाएंगे, ग्रीष्म ऋतु में उसका कलेक्शन करना है, फिर उसके जो ऊपर की जो त्वक होती है भूरे रंग की होती है वो आपको निकाल देनी है। अगर वो रह गई तो मतलब बिगड़ जाने की थोड़ी संभावना रहती है, इसलिए वो निकाल के फिर सनलाइट में आपको ड्राई करना है, फिर उसका चूर्ण बना के यूज करना है। फिर दूसरा है गुड़ुच्यादि क्वाथ। गुड़ुच्यादि जो क्वाथ बनाते हैं वो 40 ml आपको लेना है। जो कोई भी प्रकार का आपको ज्वर हो, सर्व ज्वर में माना गया है, चरक संहिता में लिखा गया है, सुबह शाम 2 टाइम सूखे पेट लेना है। फिर आता है गुड़ुची स्वरस। गुड़ुची स्वरस अगर शायद अच्छा हो, मतलब प्योर हो, तो उसके साथ 2 टाइम लेना है सुबह और शाम को, वो हमारे प्रमेह के लिए बहुत ही अच्छा है। और सुबह में 1 टाइम अगर लेना है तो हमारा पीलिया होता है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। फिर होता है आँख की रोगों के लिए, तो आँख के रोगों के लिए भी गुड़ुची बहुत ही फायदेमंद है। उसमें गुड़ुची स्वरस, उसमें थोड़ा सा मध डालना है और सिंधव डालना है। उसके बाद उसका अंजन करना है, सुबह में एक ही बार करना है। तो आपको तिमिर या फिर अर्म, जो हम बोलते हैं ना तुलसी, वो दोनों में से कोई भी हो, उसमें बहुत ही अच्छा फायदेमंद। अभी COVID-19 की सिचुएशन में हम गुड़ुची का कैसे यूज कर सकते हैं, तो एक है गुड़ुची क्वाथ लेना है हमें, फिर उसमें पिपली 1 भाग डालनी है, और उसमें शहद थोड़ा सा डालना है। वो हमारे जीर्ण ज्वर यानी कोई भी प्रकार का हमें ज्वर हो, या फिर पुराना ज्वर हो, और कफ खांसी हमें कुछ भी हो रहा हो, तो उसमें हम ले सकते हैं। दूसरी हमारी शनशमनी वटी, वो हम रेगुलर में 2-2-2 या फिर 202 कोई भी मात्रा में हम ले सकते हैं, लेकिन मात्रा एज और बल उसके ऊपर आधारित होती है, पुरुषम विक्षम होती है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा मात्रा के ऊपर जोर नहीं डालूंगी। आपको अगर लेनी है तो आपको कोई भी आयुर्वेदिक कंसर्न से बात करके लेनी होगी। फिर आती है उसकी कुछ और प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। अमृत आदि क्वाथ आता है, वो हमें 40 ml लेना है 2 बार, वो वात रक्त में या फिर वात ज्वर में भी दे सकते हैं। फिर आता है गुड़ुची घृत। घृत है वो 1 tablespoon ही लेना होता है, और वो हमारे कोई भी कुष्ठ यानी कि कोई भी स्किन डिजीज में दे सकते हैं, या तो फिर वात रक्त में भी यूज कर सकते हैं। फिर एक प्रिपरेशन है गुड़ुची तेल है, वो वात रक्त में भी हम दे सकते हैं गुड़ुची तेल को भी। फिर आता है गुड़ुची सत्व की मात्रा बहुत ही कम रखनी होती है, 0.5 ग्राम होती है, और वो ज़्यादातर प्रमेह में यूज करते हैं हम, और ज्वर में भी यूज कर सकते हैं। फिर आता है गुड़ुची चूर्ण, यकृत वृद्धि या फिर पांडु रोग में भी दिया गया है चरक संहिता में, उसका भी हम यूज करते हैं। फिर आता है अमृत आदि तेल, जो गलगन नाम का डिजीज होता है उसमें भी हम यूज कर सकते हैं।
फिर है एक सोलियम में हम अमृत आदि गुगुलू दे सकते हैं, 2 2 2, या फिर बल या मात्रा को देख।